को धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, एक दो तीन में उठाऊंगा और तीन साथ में बोलूंगा, एक लो एक ही बोला है और ये भाई 200 चला गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई आज की वीडियो बड़ी स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज हमारे पास है एक आयरन। अगर आयरन की बात करें तो इसके प्राइसिंग वाली बात है तो वो अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कितने का मिलने वाला है। सबसे पहले तो अगर ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम मैं आपको बोलूँ क्या, मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ, आप देख लो। भाई इस आयरन के अंदर अच्छा खासा वेट है क्योंकि ये SMPS के अंदर नहीं, ये बना हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मॉडल नंबर की अगर बात करें सोल्डरिंग स्टेशन की तो T31 के नाम से ये आता है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। सबसे पहले तो भाई इसके अंदर एक यूज़र गाइड निकली है और अगर यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक दो तीन 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 इसके अंदर पेन दिख रहे हैं मुझे कैटलॉग के अंदर। वो पेन क्या काम करते हैं चलिए वो देखेंगे, बाकी कैटलॉग वाली बात है तो ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद भाई इसको बॉक्स को हम बाहर निकालते हैं थोड़ा सा और, तो इसके अंदर भाई हमारा सोल्डरिंग स्टेशन निकलता है कुछ इस टाइप का। और अगर बिट की बात करें तो कुछ इस टाइप की बिटें निकलती हैं और आगे की अगर बॉक्स की बात करें तो एक बॉक्स और निकलता है और उसके अंदर कुछ चीज़ें और निकलती हैं। तो चलिए भाई इसको मैंने फटाफट से पूरा का पूरा इसको मैंने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद भाई जैसे मैंने अभी कैटलॉग के अंदर तीन हैंडल आपको बताए थे और तीन हैंडल की बात है तो तीन हैंडल इसके साथ है ये रहे। इन तीन हैंडल के अंदर क्या फ़र्क है मैं बता दूं भाई, ये अपना हैंडल की अगर बात करें तो T210 जिसमें JVC की बिट लगती है वो मिलने वाला है। इसकी अगर बात करें तो इसका मॉडल नंबर आता है T36 की बिट इसके अंदर लगने वाली है और एक हैंडल इसके अंदर और है। एक हैंडल की अगर बात करें तो T215 इसके अंदर रहने वाली है। भाई आखिर इसके अंदर तीन तीन हैंडल चलते हैं इतने से के अंदर, वो कैसे पॉसिबल है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हैंडल को फिलहाल हम यहाँ पे रख के थोड़ा देख लेते हैं। अब ऐसे ही अगर आगे की बात करें तो इसके साथ मिलती है हमें तीन बिटें। तीन बिट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो बिट देख रहे हैं 245 यहाँ पर आपको दिख रही होगी किस टाइप की रहने वाली है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये इस टाइप की है, देखो एक मोटी सी बिट निकलती है। ये आखिर कौन से हैंडल में सेट होगी तो ये भाई इस वाले हैंडल में यहाँ पर सेट होने वाली है ये रही। ये आप देख रहे हैं आगे से चोंच भी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप आगे से चोंच भी देख रहे हैं, इस टाइप की रहने वाली है। चलिए इसको एक साइड रख देते हैं। इसके बाद हमारा हैंडल आता है ये वाला, इसके अंदर लगने वाली है भाई हमारी कौन सी लगेगी T210। ये सारी बिटें इसी के साथ मिल रही हैं, मैं कोई अलग से नहीं लेकर आया, सारी इसी के साथ मिलने वाली है। ये T210 की अगर बात करें तो ये देखो भाई T210 का मैंने इसके अंदर लगा दिया, कितनी पतली बिट होती है आगे से ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। पतली के साथ साथ भाई ये T210 है जो कि हमारे JVC वगैरह की अगर बिट भी इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है ये वाली बिट। दो बिटें हो गई भाई। इसके बाद भाई बात करेंगे अब हम T36 वाली की बात करेंगे। T36 का आयरन तो यार इतना पतला आयरन होता है, मतलब जैसे अगर आप स्कूल में अगर जैसे जाते हैं ना पेन यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल पेन टाइप का रहने वाला है, ये लगता ही नहीं है कि आयरन है। इसके अगर बिट की बात करें तो चलिए इसकी बिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। T215 के नाम से आती है और T36 के नाम से, मतलब ये दो नाम से बिट आपको मिलने वाली है। भाई सबसे पहले तो यार बिट देखो, इतनी सी बिट कभी आपने देखी है, ये इसके अंदर इतनी सी बिट लगने वाली है और इस बिट को लगाने का भी तरीका बहुत ईजी है। ये देखो मैंने कहा था ना जैसे स्कूल के अंदर अगर हम पेन यूज़ करते हैं उस टाइप की ये बिट रहने वाली है, बिल्कुल पेन जैसी हो गई है ये, भाई इसके अंदर भी यूज़ होने वाली है। इसका प्राइस की अगर बात करूँ डिस्क्रिप्शन में मैंने मैंशन कर रखा है, बहुत कम प्राइस में ये आपको मिलने वाला है। अब इसका इंटरफेस देखते हैं इसके अंदर क्या क्या खूबी रहने वाली है चलिए वो भी देखेंगे। तो भाई मैंने इसके अंदर यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख रहे हैं पावर केबल लगा लिया, यहाँ पर इन्होंने एक स्विच दिया है इसको ऑन करने के लिए और अगर हैंडल वाली बात है तो हैंडल हम अपना यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर अर्थिंग केबल लगा लेंगे जिससे कि हल्की फुल्की कभी अर्थिंग आती है तो वो लगाने से बिल्कुल नहीं आने वाली। और यहाँ पे हमारा अगर इसको कभी अपडेट अगर इसका आएगा तो PC से अपडेट हो जाएगा इसलिए आपको दिखने वाला है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे, रखने के बाद भाई इस हैंडल को उठाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको रख देंगे। इसके अंदर भाई मैं क्या करूँगा पीछे से ये मैंने जैसे ये ऑन करा और यहाँ पे सामने इसका भाई यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इसके अंदर वेलकम। वेलकम के बाद भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर है चलिए मैं आपको बता दें। तो सबसे पहले तो भाई फीचर वाली बात है, मैं आपको फीचर बता देता हूँ। इसकी अगर बात करें यहां से हमारा जो होता है टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, वो कैसे होता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। नीचे देख रहे होंगे अगर आपको ये छोटे डिजिट में यहां पर अगर दिख रहा हो, ये यहां पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पर देख लीजिए, ये जैसे ही मैं ऊपर बढ़ा रहा हूं नीचे कर रहा हूं तो ये घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इस तरीके से ये रहने वाला है। तो इस टाइम पे ये भाई हमारा हो गया 200, कर देता हूं मैं इसको
लो भाई मैंने 200 कर दिया, 205 कर दिया, 205 कर दिया, कितने सेकंड में जाता है चलिए देखेंगे। आप नोटिस करना इधर, अभी ये देखो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। एक दो तीन में उठाऊंगा और तीन सात में बोलूंगा, एक लो एक ही बोला है और ये भाई 200 चला गया। हो सकता है कई भाई कहेंगे कि 200 तो कोई खास टेम्परेचर नहीं होता भाई, ज़्यादा करो तब पता चलेगा। लो भाई 310 कर दिया मैंने, अब यहाँ पर देख लो इसका टेम्परेचर कितना है। एक दो तीन काउंट करेंगे, देखेंगे कितनी देर में जाएगा। एक लो, एक ही बोल पाता हूँ मैं, उससे पहले ये चल जाता है। चलो इसके ऊपर एक सोल्डर लगा के देखते हैं और सोल्डर लगाने के बाद देखते हैं कितनी देर में ये मेल्ट कर पाता है। लो भाई इसको मैंने इसके ऊपर सोल्डर लगा दिया है और सोल्डर लगाने के बाद आयरन पूरा बंद है, बिल्कुल ठंडा कर दिया है फूक मार मार के। इसके अंदर देखते हैं कितनी देर में आखिर ये इसको गला देता है। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर वाली बात है, मैं इसका यहाँ पे रख के इसका टेम्परेचर देखता हूँ एक बार है कितना। तो टेम्परेचर वाली बात है भाई इसका है 310। तो चलिए 310 पे अगर ये सोल्डर कितनी देर में गलता है वो देखते हैं। चलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ से भाई देखो ऑन, और मैंने इसको कर दिया ऑन, और ऑन करने के बाद एक लो एक ही बोला है, एक एक पे सोल्डर ही इसने मेल्ट कर दिया पूरा। एक बोलते मतलब इसकी अगर स्पीड की बात करें ना भाई बहुत ज़्यादा ये फास्ट है, एक बोलने के बाद दूसरा बोलने का मौका नहीं देता। बाकी मैं फिर भी मानता हूँ कि इसको 2 सेकंड के अंदर ये 300 तक आराम से पहुँचा देता है। तो भाई इतना फास्ट तो मैंने नहीं देखा, अगर आपने कभी देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसके अंदर अभी जो मैं बिट यूज़ कर रहा था 210 वाली बिट यूज़ कर रहा था, जो कि मेंशन के ऊपर इन्होंने लिखा हुई है। इसके अंदर अगर आप JVC की बिट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी ईजिली हो जाएगी इसके अंदर। और टेम्परेचर वगैरह सेट करना है तो वो यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके अलावा भाई ये दो हैंडल हो रहे हैं इसके साथ जो आपको मिलने वाले, किसी का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 3 बिट इसके साथ फ्री आने वाली है, 3 हैंडल फ्री आने वाले, अपनी जरूरत के हिसाब से जो हैंडल लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।